नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से बरौनी थर्मल पावर की नई यूनिट हुई शुरू। बिहार में मरे हुए शख्स ने जीता पंचायत चुनाव। बिहार के 7 गांव उत्तर प्रदेश में होंगे शिफ्ट। दिल्ली जाते ही एम्स में भर्ती हुए लालू प्रसाद यादव। बिहार के यूनिवर्सिटी घोटाले मामले में हो सकता है कुछ बड़ा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज से बरौनी थर्मल पावर की नई यूनिट हुई शुरू। बिहार वासियों के लिए आज का दिन सौगात भरा रहा। अब यहां लोगों को बिजली सेक्टर में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज बरौनी स्थित एनटीपीसी में 500 मेगावाट की नई यूनिट का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण आज दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में किया, जो कि बरौनी में ही आयोजित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत एनटीपीसी के अधिकारी व स्थानीय विधायक मौजूद रहे। आपको बताते चले कि एनटीपीसी बरौनी के स्टेज 2 में 250-250 मेगावाट की दो नई बिजली यूनिट शुरू हुई है। इसमें से कुल 500 मेगावाट बिजली बनेगी। आपको बताते चले कि इन दोनों यूनिट की आधारशिला साल 2011 में ही रखी गई थी, जो कि आज पूरी तरह बनकर तैयार हुई है। बिहार के 7 गांव उत्तर प्रदेश में होंगे शिफ्ट। बिहार और उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आपस में 7 गांव की अदला बदली हो सकती है। बताते चले कि बिहार और यूपी की सीमा में सटे दर्जन भर गांव बसे हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बिहार के बगहा में शिफ्ट होंगे, जबकि बगहा के 7 गांव यूपी में शिफ्ट हो जाएंगे। इसे लेकर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने जिले के डीएम को पत्र भेजकर यूपी की सीमा से सटे बिहार के 7 गांव गंडक नदी के पार बसे पिपरासी प्रखंड के बैरी स्थान, मंजरिया खास, श्रीपत नगर, नैनहा, भैसही और कतकी गांव का प्रस्ताव तैयार रखने का निर्देश दिया है। इन इलाकों के प्रशासन व ग्रामीणों को यूपी के रास्ते होकर आने जाने में काफी परेशानी होती थी। वहीं यूपी के कुशीनगर जिले के मरछवा, नरसिंहपुर, शिवपुर, बालगोविंद, बसंतपुर, हरिहरपुर और नरैनापुर गांव को बिहार में शामिल किया जाना है। ये गांव बिहार के बगहा पुलिस जिले से सटे हैं, जिस वजह से यूपी प्रशासन को आने के लिए नेपाल और बिहार की सीमा से होकर जाना पड़ता है। अब जमीन का प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्य के कई जेलों में चला छापेमारी अभियान। सूबे में आए दिन अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और कई जिलों में अपराध की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे सजग होकर आज प्रशासन के द्वारा अहले सुबह ही राज्य के अलग अलग जेलों में अचानक से छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर करी। तो वहीं अचानक से हुई इस छापेमारी से जेल प्रशासन भी हड़कंप में आ गया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वैशाली, बक्सर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान पुलिस को हाथ नहीं लगे थे। इस दौरान इन जिलों के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई सुबह के 6 बजे से ही शुरू हुई। बिहार में मरे हुए शख्स ने जीता पंचायत चुनाव। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 8वें चरण बीत चुके हैं और इस दौरान कई अजीबोगरीब खबरें भी सामने आई, जो कि चौंकाने वाली है। वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कि वोटरों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8वें चरण के मतदान में 20 दिन पहले ही मर चुके प्रत्याशी को मतदाताओं ने जिता दिया है। बताते चले कि यह वाकया जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हड़खाड़ पंचायत के वार्ड नंबर 2 की है, जहां पर 2 प्रत्याशी ही खड़े हुए थे, मगर एक प्रत्याशी सोहन मुर्मू की बीमारी के कारण 6 नवम्बर को ही मौत हो गई थी। और अब जब 8वें चरण का रिजल्ट हाल ही में आया तो पता चला कि वोटरों ने मरे हुए सोहन मुर्मू को भी पंच पद के लिए जिता दिया है। इस मामले में बीडीओ का कहना है कि प्रत्याशी की मौत की सूचना आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं दी, इस कारण से जानकारी ना होने पर नाम को नहीं हटाया गया था। तो वहीं इसकी जांच कराने की भी बात कही गई है। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद बिहार आएंगे शिवदीप लांडे। बिहार में सिंघम और सुपर कॉप के नाम से फेमस बिहार कैडर के अधिकारी शिवदीप लांडे अब एक हफ्ते के बाद बिहार में योगदान देने के लिए आ रहे हैं। बताते चले कि शिवदीप लांडे महाराष्ट्र में 5 साल की प्रतिनियुक्ति पूरा करने के बाद बीते दिन शुक्रवार को ही रिलीव हो गए, जिसके बाद अभी वे एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर हैं, जिसके बाद छुट्टी खत्म होने पर वे फिर से बिहार में अपनी सेवा देंगे। आपको बताते चले कि अब वे डीआईजी रैंक के अधिकारी हो गए हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि बिहार सरकार उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। वहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को लेकर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध उत्पाद विभाग का जिम्मा दिया गया है।
बिहार में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 6 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 44 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना और पूर्वी चंपारण जिले से 2-2 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं किशनगंज से 1 मरीज की पुष्टि हुई। तो वहीं बात अगर रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। बिहार के यूनिवर्सिटी घोटाले मामले में हो सकता है कुछ बड़ा। बिहार में इन दिनों शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र यूनिवर्सिटी में ही बड़े पद पर बैठे अधिकारियों द्वारा गड़बड़ झाले की बात उजागर हुई, जिस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बुलावे पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी दिल्ली गए थे, जिसके बाद बीते देर शाम ही वे वापस बिहार को लौट आए हैं। बताते चले कि इस दौरान शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल से यूनिवर्सिटी के विषय में काफी लंबा विचार विमर्श किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल इन 4 यूनिवर्सिटी के विवादों को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके तहत मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को हटाने की कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं बता दें कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर सख्त कार्रवाई का आग्रह राज्यपाल व कुलाधिपति से पहले ही कर दिया है। तो वहीं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में कॉपियों की खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी की जांच भी कराई जा सकती है, जिसके आरोप LNMU कुलपति पर लगे हैं। अब चलिए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में अलग अलग हवाओं के प्रभाव के कारण तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों के दौरान हवा में बदलाव होने के आसार हैं। उत्तर बिहार में उत्तर पूर्व हवा एवं दक्षिण बिहार में उत्तर पश्चिमी हवा चलने के आसार हैं। इसके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत कोहरा रहेगा। तो वहीं उत्तर बिहार में रात का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच व दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में ठंड बढ़ेगी। हालांकि इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी नहीं बन रहा। तो वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पटना के अधिकतम व न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसमें 1 डिग्री की गिरावट आई। बिहार विधानमंडल परिसर के आसपास लगा धारा 144। 2 दिनों के बाद यानी कि सोमवार 29 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर पहले से ही विधानमंडल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। इसके मद्देनजर परिसर के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत बिहार विधानसभा के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कोई भी प्रदर्शन और जुलूस भी इस इलाके में नहीं निकाला जा सकेगा। इसे लेकर पटना DM व SP ने भी परिसर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 30 मजिस्ट्रेट, 50 पुलिस अधिकारी समेत 50 जवान भी तैनात किए गए हैं। बताते चले कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। लोजपा के दोनों गुट कल मनाएंगे पार्टी स्थापना दिवस। भले ही लोक जनशक्ति पार्टी आज 2 गुटों में बंट गई है, लेकिन कल 28 नवंबर को लोजपा के स्थापना दिवस पर दोनों ही गुट स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। बताते चले कि कल लोजपा अपना 21वां स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर दोनों गुटों की तरफ से अलग अलग आयोजन होंगे। इसे लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कल पटना स्थित बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। तो वही रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति के द्वारा भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय समेत जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली जाते ही एम्स में भर्ती हुए लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में इन दोनों सक्रिय दिखने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचते ही बीमार हो गए। बीते दिन शुक्रवार को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और अब हालत ठीक बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले से ही किडनी की बीमारी से परेशान उन्हें बुखार व यूरिन में संक्रमण के कारण भर्ती किया गया है। तो वहीं उन्हें बार बार चक्कर भी आ रहे हैं। बताते चले कि गुरुवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद वे पटना से दिल्ली को रवाना हुए थे। तो वहीं अभी एम्स के चिकित्सकों की निगरानी में उनकी देखरेख की जा रही है। बिहार SSC की मनमानी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग पहुंचे छात्र। बिहार में आयोग के सुस्त रवैये के कारण छात्रों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं और अब इन मनमानियों से तंग आकर छात्रों ने पहली बार मानवाधिकार आयोग का रुख किया है। दरअसल BSSC यानी कि बिहार SSC के प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के 7.5 साल के बाद पूरा नहीं होने के कारण छात्र आक्रोशित और परेशान हो चले हैं। इसके कारण 53,000 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है और कई बार आंदोलन करने के बावजूद भी
भी यह बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष व छात्र नेता ने 53,000 छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर जल्द उसे पूरा करवाने के लिए बिहार मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है, जिसके बाद अब बिहार के छात्र छात्रों को मानवाधिकार आयोग से उम्मीदें हैं कि इस मुद्दे पर कोई सख्त फैसला लिया जा सके। शराब से जुड़ी जानकारी है तो इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल। गया जिले में शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसके तहत आपको अगर कहीं भी शराब मिलने की खबर हो या फिर किसी प्रकार की जानकारी मिले तो आप टोल फ्री नंबर 15545 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस पर कॉल करने से आपकी शिकायत निबंधित हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी गोपनीयता भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800345626 पर भी लोग शराब बनाने, बाहर से इसकी खेप आने से संबंधित सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस शिकायत पर तत्काल सक्षम पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष 0631222259 और मद्य निषेध के सहायक आयुक्त के मोबाइल नंबर 9473400379 पर भी सूचना या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्य के 1 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधित। राज्य के 1 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर निबंधित हो गए। राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन 31 दिसंबर तक पूरा किए जाने के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि ई पोर्टल से बिहार से 3,49,00,000 कामगारों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जो कि राज्य की आबादी का 30% है। इससे लगभग राज्य के सभी कामगार कवर हो जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ा दी टीम इंडिया की मुश्किलें। दक्षिण अफ्रीका में दहशत पैदा करने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण टीम इंडिया के अगले महीने के दौरे को लेकर परेशानी बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए क्वारंटीन के नियमों में बदलाव हो सकता है। दरअसल भारत को 17 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने लगभग 7 सप्ताह के दौरे में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मैच खेलने हैं। ये मैच 4 स्थानों जोहानिसबर्ग, सेंचुरियन पर्ल और केपटाउन में खेले जाएंगे, जहां कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बना है। ऐसे में BCCI अधिकारी ने संकेत दिए कि भले ही खिलाड़ियों को मुंबई से जोहानिसबर्ग चार्टर विमान से भेजा जाएगा, लेकिन बदली परिस्थितियों में उन्हें 3 या 4 दिन के कड़े क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबरों की मदद से क्या आप आज तक अपनी समस्याओं को दूर करवा सके हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।